उकलाना हलके में कांग्रेस प्रत्याशी नरेश सिलवाल दिन प्रतिदिन और ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं और उनके पक्ष में एक बड़ा माहौल बनता जा रहा है। जनप्रतिनिधि आए दिन दूसरी पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज हसनगढ़ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें जेजेपी व बीजेपी के कई कार्यकर्ता पार्टियों को छोड़कर नरेश सिलवाल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और कई गाँव से यह इन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे और कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था जताई। वहीं उकलाना मंडी में भी उकलाना ब्लॉक समिति के चेयरमैन रविंदर मलिक व कई दूसरे ब्लॉक समिति सदस्य आज भाजपा को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और अपनी आस्था जताई। वहीं कई गांव के पंच और सरपंचों ने भी नरेश सिलवाल के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन की। नरेश सिलवाल ने उन्हें आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी में आप सभी को पूरा मान सम्मान मिलेगा और उनके विश्वास पर वह खरा उतरेंगे। इस तरह से नरेश सिलवाल जिस तरह से विरोधियों में एक बड़ी सेंधमारी कर रहे हैं उससे साफ हो गया कि नरेश सिलवाल एक बड़ी जीत की ओर जा रहे हैं और वह विरोधियों को एक बड़ी हार देना चाहते हैं। वह आए दिन अब बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग करा रहे हैं। पहले उन्होंने चार दिनों तक उकलाना हल्के का तूफानी दौरा किया और तूफानी दौरे के दौरान उन्हें भरपूर लोगों का प्यार समर्थन और आशीर्वाद मिला और एक बड़ा जनसमूह उनके साथ देखने को मिला। वहीं आज से उन्होंने अब चाय के कार्यक्रम शुरू कर दिए जिसमें वह दूसरी पार्टियों के बड़े कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी में शामिल कर रहे हैं। बड़ा अच्छा जनसंपर्क जनसमूह का समर्थन कांग्रेस पार्टी को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान जी की नीतियों के अंदर मैं समझता हूँ हर वोटर जो है उनकी नीतियों के ऊपर फूल चढ़ाने का काम कर रहा है। और आज हम हसनगढ़ गांव के अंदर एक पूरे हलके का कार्यक्रम है जो जेजेपी के कोर कमेटी थी, वरिष्ठ नेतागण थे, कार्यकर्ता साथी थे, उन सब ने मास्टर जयबीर जी के नेतृत्व में जो है आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। मैं सभी जेजेपी से आए हुए कार्यकर्ता साथियों का नेतागण का हृदय की गहराई से कांग्रेस पार्टी में जो है स्वागत करता हूं और इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने सही समय पे जब जनता को ज़रूरत है कांग्रेस पार्टी की और जो है बीजेपी को उखाड़ फेंकने की उसके अंदर इन्होंने अहम भूमिका निभाने का काम किया है। मैं इस पूरी कोर कमेटी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं मेरे उन सब कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूं, नेतागणों का जो लगभग नॉमिनेशन के बाद कल तक हमारे साथ दौरे में बड़े जोर शोर से लग रहे थे और बड़ा अच्छा सक्सेसफुल समर्थन प्रत्येक गांव से मुझे मिला, कांग्रेस पार्टी को मिला, उसके लिए मैं कार्यकर्ता साथियों का धन्यवाद दूँ। और आज मैं अपील करता हूँ आने वाली 28 सितंबर को उकलाना मंडी की नई अनाज मंडी में 12 बजे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो है जनता से वोटों की अपील करने के लिए आएंगे। सभी साथी वहां पहुंचकर हुड्डा जी को विश्वास दिलाए कि वो जो है ये कांग्रेस पार्टी की सीट जिताने के लिए हुड्डा साहब का समर्थन करने के लिए आए हैं। जनप्रतिनिधि देखिए पूरे हल्के के तो सरपंच जिन्होंने चाहे बरवाड़ा ब्लॉक हो, चाहे अग्रोवा हो, चाहे उकलाना हो, सबने दो ब्लॉकों का समर्थन हो चुका है, उकलाना और अग्रोवा का पूरे 100% सरपंचों का, और बरवाड़ा ब्लॉक के सरपंचों ने टाइम ले रखा है, वो भी आज कल में जो है समर्थन कर देंगे। ब्लॉक समिति उकलाना का आज सुबह ही पूरी की पूरी चेयरमैन रविंदर जी के नेतृत्व में पूरी ब्लॉक समिति उकलाना के सदस्यों ने और उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था जताई और समर्थन किया, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जिस तरह से जनता का समर्थन आपको मिल रहा है, आपके काफिले लगातार कारवां बढ़ता जा रहा है, उसके लिए क्या संदेश देंगे जनता को? जनता का मैं धन्यवाद करता हूं कि जो बीजेपी और जेजेपी का कुशासन रहा, 10 साल का बीजेपी का राज रहा, उसके अंदर हर वर्ग प्रताड़ित रहा है, चाहे हमारे किसान हो, 3 काले कानून आए, 750 किसान शहीद हुए, किसानों के ऊपर हर रोज लाठी डंडे चले, हमारी आंगनबाड़ी वर्कर जो है हमारी आशा वर्कर, ओपीएस के कर्मचारी, पटवारी, नंबरदार, ड्राइंग टीचर लगे हुए हटा दिए, पीटीआई टीचर लगे हुए हटा दिए, और मैं समझता हूँ हमारे सरपंचों को भी इस सरकार ने नहीं बख्शा, सबके ऊपर लाठी डंडे चले और 5 साल जो है ये सरकार पोर्टल की सरकार रही,
पोर्टल की लाइन में जनता को लगा दिया। इनके नेता चंडीगढ़ एसी में बैठे रहे और जनता पोर्टल की लाइन में कहीं प्रॉपर्टी आईडी, कहीं फैमिली आईडी, कहीं मेरी फसल मेरा ब्यौरा, कहीं स्कूल में बच्चों के इनकम के सर्टिफिकेट के लिए जनता जो है वो तराई तराई करी। लगभग 9.5 लाख गरीब लोगों के पोर्टल की वजह से बीपीएल कार्ड कट गए, 5 लाख बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन कट गई। इस सरकार ने जनता से झूठ बोली, इनका घोषणा पत्र भी झूठा निकला। 2014 में इन्होंने कहा था किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, एमएसपी के ऊपर फसल खरीदेंगे, वो झूठ का पुलिंदा निकला। इन्होंने कहा था युवा को हर महीने बेरोजगारी भत्ता 9,000 रुपये देंगे, ना इन्होंने किसी युवा को बेरोजगारी भत्ता दिया। इन्होंने कहा था बुजुर्गों को 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे, वो भी इनका झूठ का पुलिंदा निकला। मैं समझता हूँ बीजेपी पार्टी केवल जुमलों की पार्टी है। मैं अपील करता हूँ सभी कार्यकर्ताओं से, 10 साल तो आप इनके बहकावे में आ गए, इनके जुमलों में आ गए, लेकिन अब जागने का समय है। कांग्रेस पार्टी में अपनी आस्था जताए। कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भान जी ने जो घोषणा की है, हमारा घोषणा पत्र लागू हुआ है, उसको पूरे के पूरे को 1 नवंबर से ही लागू करेंगे। आपने 3 चुनाव अब तक लड़ चुके हैं और चौथा चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, अब इस बार आपको क्या नया देखने को मिला सकता है? इस बार वैसे मेरा 5वां चुनाव है, मैं 1 जिला परिषद का लड़ चुका हूँ, जिला पार्षद रह चुकी मेरी धर्मपत्नी, और मेरा 4था चुनाव है एमएलए का। ये मेरा अनुभव है 4-5 चुनाव का। मैंने पहली बार इतना जन सैलाब, इतना जन समूह जो है 4 चुनाव में पहली बार देखा है। अब जनता जो है जागरूक हो चुकी है, जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है, और कांग्रेस पार्टी के अंदर अपनी आस्था जताते हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विकास पुरुष, जिन्होंने 36 बिरादरी के लिए काम किए, गरीब लोगों को 100-100 वर्ग गज के प्लाट दिए, 200-200 लीटर पानी की टंकी दी, बीपीएल परिवारों का कर्जा माफ़ किया, हरिजन कल्याण निगम का कर्जा माफ़ किया, बैकवर्ड निगम का कर्जा माफ़ किया, किसानों का कर्जा माफ़ किया, बिजली के बिल माफ़ किए, मैं समझता हूँ बच्चों के लिए स्कॉलरशिप लागू की। तो हुड्डा साहब को फिर से हरियाणा का मुख्यमंत्री आज हरियाणा की जनता देखना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।